अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज आप लोगों के लिए बहुत यम्मी सी हरियाली चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत टेस्टी है, ट्रस्ट मी, ज़रूर ट्राई करें। और इसको बनाने के लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये हरियाली चिकन है तो इसमें डेफिनेटली धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ज़रूर जाएंगी। सबसे पहले हमें 1 किलो चिकन ले लेना है। मैंने बोन वाला लिया है, आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। और 1-2 मुट्ठी मैंने इसमें भर के इसमें धनिए के लिए हैं, और 1 मुट्ठी मैंने पुदीने के लिए है, और चंद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून एंड ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। और क्रीम इसमें जाएगी 1/2 कप, और प्याज 2 ले लेंगे हम लोग, 2 बड़े प्याज हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसमें मैंने उसी के अंदर मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल ली हैं। और माइनर सा, मिनिमम सा पानी हम लोगों ने इसमें डाल के, जिसमें बस के अच्छे से मिक्स हो जाए। हम लोगों ने इसका बहुत बारीक सा पेस्ट बना लेना है। ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने इसका पेस्ट बना लिया था। और साथ ही मैंने इसमें 1 कप ऑयल ले लेना है, और ऑयल डाल उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दूंगी। अब इसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको ब्राउनिश सा कलर देंगे तो उससे क्या होगी कि हमारी जो, आपको पता है कि हरियाली चिकन है, ये डेफिनेटली ग्रीन कलर की होगी, तो फिर इससे क्या होगा कि वरना हमारा कलर जो है वो ब्लैक में, ब्राउन में चला जाएगा। जस्ट हमने इसे ट्रांसपेरेंट सा करना है। ये देखें, बस इतनी सी हम लोगों ने प्याज कुक करनी थी, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर दी है। और चिकन को बस इसमें मैं अब साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा का भी ऐड कर दूंगी, साबुत ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ। और जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है, मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। ये देखें, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी ऐड कर दूंगी, और इसे मैंने ढक के थोड़ी देर के लिए पका लिया है, ताकि ये देखें, पानी ऐड करके अब मैं इसे ढक्कन लगा के अच्छे से कुक कर लूंगी, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। चिकन हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और ये सब काम मीडियम आंच पे हो रहा है। हम लोगों ने तेज आंच बिल्कुल भी नहीं रखनी है, वरना क्या होगा कि हमारी चिकन कच्ची रह जाएगी। और ये देखें, ये क्रीम मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, तकरीबन 1/2 कप क्रीम का है। बहुत इजी है, अगर आपके पास क्रीम नहीं अवेलेबल तो कोई मसला नहीं, आप इसमें दही का भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप आप दही ऐड कर दें, इसमें कोई मसला नहीं है, सेम ही फ्लेवर आएगा इसमें, सेम ही टेस्ट आएगा। ये देखें, क्रीम जो है वो बिल्कुल ग्रेवी की फॉर्म में आ चुकी है, घी अलग हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें वो जो हरियाली चिकन हमारा बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। और जब हम लोगों ने ये ऐड करने हैं, तब उससे पहले हमारी चिकन बिल्कुल फुल डन हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ये ऐड करके ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर हम ज़्यादा पकाएँगे तो ये ग्रीन की बजाय
ब्राउन कलर की हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसको लास्ट में मैंने बस इसे मैंने ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट दम पे रख दिया था। और लीजिए, हमारी हरियाली चिकन बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। और लास्ट पे मैंने इसके ऊपर जो हमारे बटर है, बटर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा क्यूब्स में कट करके लगा दिया है, जो कि बहुत अमेजिंग इसका भी टेस्ट आया था ऊपर। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।